नमस्कार टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जय हिंद। माय नेम इज प्रतीक एंड आई वेलकम यू ऑल टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम नवंबर मंथ में जो भी हमें टॉप 20 लेटेस्ट इंटरनेशनल न्यूज जो हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मैं यहाँ पे आपको बोलना बिल्कुल पसंद करूंगा, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स इसके रिगार्डिंग हमेशा कोर्स लाता ही लाता है। बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको अवेल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन में अच्छा खासा बूस्ट ला सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम अपने पहले न्यूज के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो पहला यहाँ पे खबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में हमें हाल ही में इलेक्शन देखने को मिले रिगार्डिंग यहाँ पे राष्ट्रपति के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो लेफ्टिस्ट लीडर जो यहाँ के लुला डी सिल्वा जी हैं, जो वर्कर्स पार्टी से बिलोंग रखते हैं, ये यहाँ पे आपके इलेक्शंस को जीत गए हैं और यहाँ पे आपके ये ब्राजील के नए आपके प्रेसिडेंट आपके बन गए। इसी के साथ ये 39th आपके एक तरह से प्रेसिडेंट आपके बन गए और इन्होंने यहाँ पे जेर बोल्सोनारो, जो अभी के अभी पहले अगर आप देखोगे प्रेजिडेंट आपके रहे थे, इनको यहाँ पे हरा दिया है, डिफीट कर दिया है। और इसी के साथ अगर आप देखोगे, इनसे पहले भी अगर आप देखोगे, दो बार आपके ये प्रेसिडेंट आपके ऑलरेडी रह चुके हैं। अगर आप देखोगे लुला डी सिल्वा की बात करेंगे 2002 में और 2010 की आपकी बात है। अब ये जो आपका कॉम्पिटिशन था दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आप देखोगे करीबी मामला था, ठीक है। पहले जो आपके राउंड आपको इलेक्शंस का देखने को मिलता है जेयर बोल्सोनारो और साथ ही साथ आपके जो लुला डी सिल्वा है, टफ कॉम्पिटिशन था, टाई वाला सिचुएशन हो गया। और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिला वापस रिलेक्शन यहाँ पे हुआ, क्योंकि ब्राजील के संविधान में एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है डायरेक्ट रन ऑफ ऑप्शन, जिसके तहत यहाँ पे रीइलेक्शन वापस से कराए गए और इस वाले आपके एक तरीके से इलेक्शन में आपका जो लुला डी सिल्वा जी है वो आपके जीत गए थे। ज्यादा नहीं था, अभी भी आपके टफ कॉम्पिटिशन था, बट चलो जीत गए आपके, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे ब्राजील के बारे में। तो ब्राजील आपका एक ऐसा कंट्री है, आपको नॉर्मली सारे साउथ अमेरिकन आपके कंट्री के साथ बाउंड्री आपको बनाते ही बनाता है, एक्सेप्ट आपको दो कंट्री आपको देखने को मिलेगा, एक आपका इक्वेडोर हो गया और एक आपका क्या आपका चील आपका हो गया। तो ये कुछ आपको ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं घाना, जो एक आपका वेस्ट अफ्रीकन आपका कंट्री है। ये आपका नवंबर महीने में आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा अध्यक्षता पूरा संभाल रहा था। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही सुना है। अब यहाँ पे बात करेंगे आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ पे आपको 10 आपको नॉन परमानेंट मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं और 5 आपको परमानेंट मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। टेम्परेरी मेंबर्स में देखा जाए तो आपको भारत भी है आपका और साथ साथ घाना भी आपको देखने को मिलेगा। घाना की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे एक तरीके से ये आपका 1 जनवरी 2022 को वापस से आपका रिजॉइन आपका किया था। आपके जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं ना दोस्तों, ये आपके ज्वाइन होते हैं, फिर इनको वापस से निकाला जाता है, फिर नए को एक तरीके से अलाउ किया जाता है, फिर वापस से रिजॉइन होते हैं। तो आपके रोटेशनल बेसिस आपको देखने को मिलेगा और कुछ महीने में इनको यहाँ पे एक तरीके से इनको प्रेसिडेंसी भी दी जाती है। अब घाना की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो इनका जो पूरा सिस्टम अभी होगा नवंबर में जो आपका हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ग्लोबल पीस के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की है, सिक्योरिटी आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक तरीके से कैसे हम एक तरीके से डेवलपमेंट ला सकते हैं, ये एक कुछ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की आपकी यहाँ पे बात की गई है। और ये आपका पूरा जो प्रेसिडेंसी आपका घाना के अंदर हुआ था और ये आपको पता होना चाहिए। घाना इसी के साथ आपका थर्ड टाइम आपका यूएनएससी का आपका नॉन परमानेंट मेंबर आपका बना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दोस्तों बात करते हैं। ये आपके यूनाइटेड नेशन का आपका एक ऐसा बॉडी है जो ग्लोबल ऑर्डर में एक तरह से पीस, एक तरह से हार्मनी बनाने की पूरी बात करता है, ठीक है। इसका पूरा यहाँ पे फाउंडेशन आपको 24 अक्टूबर 1945 में आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको 10 आपको नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, आपको ब्राजील, इंडिया, अल्बेनिया, गैबोन, घाना, आयरलैंड, कीनिया, मेक्सिको, नॉर्वे, यूएई जैसे आपको टेम्पररी मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जो आपको कुछ टाइम के लिए देखने को मिलते हैं, कुछ आपको देखने को मिलेगा रोटेशन बेसिस में। इनको हर मंथ एक तरीके से प्रेसिडेंसीशिप इनको दी जाती है। 5 आपको परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पे फ्रांस, चाइना, यूके, आपका रशिया और आपको यूएस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, G20 से आपसे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे हाल ही में जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, ये 17th G20 समिट में गए थे जो आपका बाली इंडोनेशिया में हुआ था। क्या थीम था इसका आपको पता होना चाहिए, आपका रिकवर टुगेदर, रिकवर आपका स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये आप देखोगे आपका इस आपके इवेंट में 3 आपके यहाँ पे सेशंस पे रिगार्डिंग आपका G20 लीडर्स आपके बात किए थे। यहाँ पे आपका फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, आपका यहाँ पे हेल्थ आपका हो गया और यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपका पूरा यहाँ पे डिस्कशन आपको लीडर्स के बीच आपको देखने को मिला है। और आपको 16 नंबर की आपकी बात है, मतलब 15-16 नंबर के आपका G20 समिट आपको बाली में देखने को मिला है, 16 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे लीडर्स आपके बाली के आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट गए थे और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपका कार्बन एमिशन को रोकने में बहुत अच्छी आपकी मदद करता है एज कम्पेयर टू आपका जो एवरग्रीन आपके फॉरेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए इसी आपकी मीटिंग में, आपको 16 नंबर का दिन आपको पता होना चाहिए,
जोको विडोडो, जो आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, इन्होंने जो अपने तो जो अपनी अध्यक्षता है इनको एक तरीके से हैंड ओवर करके, एक तरह से भारत को यहाँ पे हैंड ओवर करके, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा इवेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जोको विडोडो फॉर्मली हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 16 नवंबर 2022। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया ऑफिशियली देखा जाए आपका एक तरीके से G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो 1 दिसंबर 2022 से आपका ऑफिशियली आपका स्टार्ट कर लेगा। और यहाँ पे इसी के साथ जो 18th आपका G20 समिट आपका होगा ये आपका नई दिल्ली में 9 से आपको 10 सितंबर के बीच 2023 में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो थीम आपका रखा गया आपको पता होना चाहिए, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए नेतन्याहू जी की, बात की जाए वापस से आपके राष्ट्रपति आपके नहीं सॉरी आपके प्राइम मिनिस्टर आपके इजराइल के आपके बन गए। ठीक है, अब बेंजामिन नेतन्याहू जी की बात करें तो ये आपका पूरा यहाँ पे इलेक्शन आपका हुआ था इजराइल में, और बहुत बार आपको कुछ आपको सालों में इसराइल में आपको बहुत मल्टीपल इलेक्शन आपको देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए बहुत ही क्लियर मेजोरिटी के साथ उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से नेसेट में अपना अच्छा खासा मेजोरिटी, नेसेट मतलब यहाँ का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, मेजोरिटी के साथ उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे जीता हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए लगभग 99% जो आपकी जो सीट एक तरीके से आपका वोट आपके यहाँ पे काउंट हुए हैं, उसके साथ जो नेतन्याहू जी की आपकी जो राइट विंग पार्टी जिसका नाम लिक्विड पार्टी है ये आपकी यहाँ पे जीत गई, अलायंस के साथ जीत गई है। 32 सीट तो लिक्विड पार्टी ने खुद ही यहाँ पे जीते, लगभग आपका 120 आपके सीट्स में से। नेसेट में आपको टोटल 120 आपको सीट्स देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट में, उसमें 32 सीट तो इन्होंने लिक्विड पार्टी ने जीता है, बाकी उन्होंने अलायंस करके एक तरीके से अपनी सरकार पूरी बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए इलेक्शन आपको एक तरीके से लगभग हम 3 साल का देखें, इन 3 सालों में आपको इसराइल में आपको 5 बार आपको इलेक्शन देखने को मिले, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके यहाँ पे नफ्ताली भी आपके तरीके से आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट आपके बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर आपके बन चुके हैं, ये लैपिड भी आपके रिसेंट के अभी अभी प्राइम मिनिस्टर आपके, जब तो आपका हट गया आपके वो, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको जो ये लैपिड की जो पार्टी थी जिसका नाम था यश अदित पार्टी, इसे 24 सीट आपकी जीत पाई थी, अपनी सरकार नहीं बना पाई। और बेंजामिन नेतन्याहू जी की बात की जाए 73 ईयर्स के, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग आपके प्राइम मिनिस्टर आपके इसराइल के रह चुके हैं, और ये लगभग 5 बार आपके इलेक्ट हुए सिर्फ और सिर्फ 15 साल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पावरफुल आपकी पर्सनैलिटी है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि तैयब इकरम जी आपके एक तरीके से जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के आपके नए अध्यक्ष के तौर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो एशियन हॉकी फेडरेशन के एक तरीके से सीईओ आपके जो रह चुके हैं मोहम्मद आपके यहाँ पे तैयब इकरम जी है, ये जो मकाऊ से आपके बिलोंग रखते हैं, ये अब आपके नए आपके राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। इन्होंने यहाँ पे किसको सक्सीड किया है, तो इंडिया के ही आपके जो नरेंद्र बत्रा जी है इनको यहाँ पे सक्सीड करते हुए आपके एक तरीके से अपॉइंट आपके हो गए। तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स आपकी होती होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको समिट आपको देखने को मिला, आपको पता होना चाहिए जर्मनी में। ठीक है, तो G7 के आपको फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल के आपको एक तरीके से आपको मीटिंग आपको देखने को मिली जर्मनी में, आपको पता होना चाहिए कौन से शहर में, मुंस्टर शहर में आपको देखने को मिला है। 4th और 5th आपके नवंबर में आपको ये मीटिंग आपको देखने को मिला है, और इसकी अध्यक्षता यहाँ पे कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था, प्लस आपका जर्मनी का जो आपके जो फॉरेन आपके मिनिस्टर है आपको पता होना चाहिए एनालिना बैरबॉक, ये यहाँ पे जो लेडी है ये आपका पूरा अध्यक्षता यहाँ पे कर रही थी। यहाँ पे आपको US, फ्रांस, UK, जापान और इटली समेत कनाडा की बात करो, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे आए थे, जर्मनी में मुंस्टर में आए थे और कई मुद्दों के रिगार्डिंग यहाँ पे बात आपकी कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी खबर रिगार्डिंग आपकी जो मीटिंग्स आपके होते ही होते हैं। अब यहाँ पे इनविटेशन के तौर पे घाना को भी बुलाया गया था, कीनिया को भी बुलाया गया था, और अफ्रीकन यूनियन को भी यहाँ पे बुलाया गया था कि एक तरीके से वो इस G7 के मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए आपके G7 की मीटिंग में कई मुद्दों पे यहाँ पे बात हुई है फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी कैसे बढ़ाया जाए, और एक तरीके से जो आपका जो रशिया यूक्रेन का एक तरीके से जो आपका वॉर चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात की जाए, यूक्रेन को इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी हमें जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस देखने को मिलते हैं उसमें हम सारे G7 कंट्रीज कैसे एक तरह से योगदान कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे डिस्कशन आपको देखने को मिला है। तो ठीक है, ये आपके सारे समिट्स वगैरह आपके होते ही रहते हैं या फिर मीटिंग्स होती रहती है। अब यहाँ पे बात करते हैं COP27, आपको पता ही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपको पूरा समिट आपको यहाँ पे इजिप्ट में आपको देखने को मिलता है, ये आपको पूरा जो समिट है ये आपका जो मीटिंग है ये पूरा आपका क्लाइमेट ओरिएंटेड उसी की सेविंग के लिए आपको पूरा बनाया गया। तो आपको 27th आपको एनुअल आपको कोविड सॉरी आपको COP27 का आपको देखने को मिलता है दोस्तों, और ये आपका शर्म एल शेख आपको इजिप्ट के शहर में देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप देखोगे आपका 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में पूरा आपका इवेंट आपको देखने को मिलता है। इसका थीम क्या है इस बार का आपका, आपको पता होना चाहिए डिलीवरी फॉर पीपल एंड प्लान, अच्छा थीम आपका रखा गया। अब यहाँ पे जो देखोगे आप भारत की तरफ से यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका नाम यहाँ पे है आपके भूपेंद्र यादव जी, जो एक तरीके से हमारे एनवायरमेंट के जो मिनिस्टर हैं और अपने डेलीगेशन के साथ यहाँ पे COP27 में हिस्सेदार भी आपके बने थे। अब यहाँ पे बात की जाए इस COP27 में जो आपका जो शर्म एल शेख में आपका हो रहा है इसमें यहाँ पे 3 मुद्दों को लेके बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिस्कशन आपका होगा या फिर अब तो हो ही चुका है, कौन कौन से आपके एरिया है, कार्बन एमिशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं,
और यहाँ पे दूसरा, हम उन कंट्री की कैसे मदद कर सकते हैं जो आपका क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग काम करना चाहते हैं या फिर जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको हम कैसे एड कर सकते हैं, ये आपका दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा यहाँ पे ये था जहाँ पे आपका डिस्कशन हुआ है कि हम कैसे यहाँ पे इनको टेक्निकल या फिर फंडिंग यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट दे सकते हैं उन आपकी डेवलपिंग कंट्रीज को जो क्लाइमेट एक्टिविटीज के रिगार्डिंग यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो ये तीन आपके मुद्दे थे और अफ्रीका को एक तरह से बहुत ही शामिल आपका किया गया, क्योंकि अफ्रीका आपके किस्म से कंसर्निंग अभी इशू में रिगार्डिंग आपका क्लाइमेट में, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है दोस्तों कि कैरोलिना गार्सिया, ये आपकी WTA फाइनल्स का जो 2022 का जो टाइटल है, इनको यहाँ पे इन्होंने जीत लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो WTA, जिसको विमेन टेनिस एसोसिएशन भी बोला जाता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। फ्रांस की जो आपकी जो एक लेडी है कैरोलिन गार्सिया जी, इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है। और यहाँ पे एक तरह से इन्होंने यहाँ पे जो एरिना सैबलेंका है इनको यहाँ पे 7 नवंबर 2022 को हरा दिया था। अभी जो आपका पूरा जो इवेंट है, अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे देखो टेक्सिस में आपको ये देखने को मिलता है, US में आपको देखने को मिलता है, 31 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर 2022 के बीच में आपको पूरा इवेंट आपको देखने को मिला। और फाइनल यहाँ पे कैरिना जो आपकी जो गार्सिया है, जो आपकी फ्रेंच लेडी है, इन्होंने यहाँ पे इसको जीत लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका जो पूरा जो आपका एक तरीके से जो हम आपको पता है हर साल के एक तरह से हमसे अवार्ड वगैरह दिया जाता है या प्लेयर ऑफ द ईयर एक तरीके से बोला जाता है, तो ईगा स्वायतिक जो आपकी पोलैंड की है, एक तरीके से 2022 की टेनिस ईयर के तौर पर इनको एज ए टॉप रैंक यहाँ पे एक तरह से वुमेन को नवाजा गया है। और कैरिना गार्सिया इज द सेकेंड फ्रेंच वुमेन जिसने यहाँ पे एक तरीके से आपका ये आपका WTA का टाइटल आपका जीता हुआ है। इनसे पहले फ्रेंच की आपकी लेडी थी जिनका नाम था एमिली मॉर्मेसो, ये आपकी 2005 में ऑलरेडी फ्रेंच लेडी आपकी जीत चुकी है। तो ये कुछ आपके स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, इसके बारे में आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है रिगार्डिंग आपका फुटबॉल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो गियाना इन्फेंटिनो आपके वापस आपके फीफा के आपके एक तरीके से अध्यक्ष आपके बन गए, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे इनको वापस से 4 साल इनको और यहाँ पे दिए गए हैं, और ये एक किस्म से फीफा का फुलफॉर्म क्या है दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फ्रेंच टर्म में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये इन्फेंटिनो अगर आप देखोगे, ये पहली बार 2016 में एक तरह से अध्यक्ष आपके फीफा के बने थे, इन्होंने यहाँ पे स्लेप ब्लेटर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 2016 में, और वापस से आपके 2019 में वापस से रिलेक्ट हो गए थे, और 2022 में वापस से आपके रिलेक्ट हो गए। मे बी इनका अच्छा खासा यहाँ पे रुतबा होगा या फिर इनका अच्छा खासा काम होगा। अब फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फीफा वर्ल्ड कप आपको 2022 का कतर में आपको देखने को मिल रहा है, अभी भी चल रहा है, 5 सिटीज में आपको यहाँ पे कंडक्ट आपको देखने को मिलेगा। 20 नवंबर से लेके 18 दिसंबर के बीच तक, मतलब 18 दिसंबर को फाइनल इसका होगा, तब तक आपका पूरा टूर्नामेंट आपका चलेगा। 28 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, 8 ग्रुप में पूरा आपका मैच होगा। और ये आपका पता होना चाहिए जो फाइनल आपका मैच है वो आपको लुसेल स्टेडियम आपको 18 आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। देखते कौन जीतता है आप मुझे बताइए। अब यहाँ पे देखेंगे फीफा एज अ वर्ल्ड कप देखा जाए, आपके एक इंटरनेशनल लेवल का पूरा आप देख सकते हो, आपका आपका टूर्नामेंट है फीफा पूरा ऑर्गेनाइज करता है। और ये अगर आप देखोगे इसका जो डिफेंडिंग अभी का जो चैंपियन है वो आपका फ्रांस है, आपको पता होना चाहिए 2018 में आपका फीफा वर्ल्ड कप ही जीता था। कुछ फैक्चुअल यहाँ पे बात करें, ब्राजील सबसे ज्यादा आपका वर्ल्ड कप जीता हुआ फीफा में, 5 बार आपका जीता हुआ है। और अभी का जो 2022 का जो कतर वर्ल्ड कप का जो आपको मैस्कट रखा गया है वो आपका लाइव है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइव का मतलब क्या होता है, जो आपके बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो प्लेयर होते हैं, जो बहुत ही स्किलफुल आपके प्लेयर होते हैं, उन्हीं को लाइव बोला जाता है। अब देखते हैं इस बार आपका स्किलफुल प्लेयर कौन होगा। अब आपको पता होना चाहिए जो आपका जो नेक्स्ट आपका जो फीफा वर्ल्ड कप होगा आपका 2026 का, वो आपको कोई एक कंट्री आपका ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, होस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपको 3 कंट्री आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका US, मेक्सिको, और आपको कनाडा आपको देखने को मिलेगा, मतलब नॉर्थ अमेरिकन आपको कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आसियान में आपको पता है टोटल आपको 10 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, अब आपको 11th आपको मेंबर आपको देखने को मिला है। और इस आपके छोटे से आपके आपके एशियन कंट्री का क्या नाम है, तिमोर लिस्ते, ठीक है, इसको पहले ईस्ट तिमोर के नाम से बोला जाता था। तो ये आपका 11th मेंबर आपको बन गया है, अभी इसमें अभी और भी वक्त लगेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह होगी, बट 11th मेंबर तो आपको बन गया ये। अब ये अगर आप देखोगे इसका फुल फॉर्म क्या, आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक तरह से अग्री कर दिया है कि हम यहाँ पे तिमोर लिस्ते को एज एन 11th मेंबर यहाँ पे बना रहे हैं। 11 नंबर की आपकी खबर है, ये आपका जो मीटिंग आपका हुआ था जहां पे फैसला इन्होंने लिया था, ये आपको कंबोडिया के शहर आपको जो कैपिटल उसका फ्लॉम पेन में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने तिमोर लिस्ते को एक तरीके से आप देखोगे तिमोर लिस्ते ने 2011 में इसकी एक तरीके से मेंबरशिप की बात रखी थी, अपनी पेशकश की थी, अब हमें देखने को मिला 2022 में अप्रूव इनको एक तरीके से कर दिया गया। तिमोर लिस्ते को इनिशियली अभी देखो ऑब्जर्वर स्टेटस में रखा जाएगा, फिर बाद में जैसे हाई लेवल मीटिंग्स में इनको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, फिर बाद में इनको फुल मेंबर बनाया जाएगा आशियन ग्रुप का, फिर बाद में एक तरीके से आप देख सकते हो इनको यहाँ पे अच्छे लेवल में इनको यहाँ पे एक तरीके परमानेंट यहाँ पे सीट इनको दी जाएगी। अभी थोड़ा ऑब्जर्विंग कैटेगरी में इनको दिया गया। आपको पता होना चाहिए 1999 के बाद से
जब कंबोडिया आपके जैसे आसियान का आपके 10th मेंबर बना था, उसके बाद से अब हमें एक नया कंट्री हमें इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। लगभग आपको 2 दशक आपको यहाँ पे गैप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। आईसीसी आपका एक तरीके से आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे नए अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं, मतलब रीइलेक्ट आपके हो गए 2022 में, ठीक है। इनका नाम है ग्रेग आपके बार्कले, और ये आपके यूनान आपका देख सकते हो यूनानिमसली आपके यहाँ पे वापस रिलेक्ट आपके हो गए हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। अब वापस आपके 2 साल का इनको यहाँ पे टर्म दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे इनके कॉम्पिटिशन में, यहाँ पे आपके जो तेवेंगवा आपके जो मुखलानी है, ये आपके जिम्बाब्वे के क्रिकेट के आपके चेयरमैन, ये भी एक तरह से कॉम्पीट कर रहे थे, बाद में इन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि तरीके से आपका जो ग्रेग आपके जो बरकलाली है इनको अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिल गया था। अब यहाँ पे बात की जाए, ये आपके पहली बार आपके एक तरीके से आईसीसी के चेयरमैन आपके कब बने थे? 2020 में आपके बने थे, और यहाँ पे एक तरीके से 2016 में बोल दिया था लगभग कि मुझे यहाँ पे एक तरीके से मेरी इच्छा यहाँ पे बनने की, 15 में शायद बोला था। हाँ, अब यहाँ पे देखा जाए इनका जो पोजीशन आपका 2024 तक आपका रहेगा, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग रखते हैं, आपको पता होना चाहिए, कमर्शियल लॉयर भी है। और ये अगर आप देखोगे आपका आपका जो 2015 का आपका जो वर्ल्ड कप हुआ था, आपको याद ही होगा आईसीसी का इंडिया सेमीफाइनल तक गया था, उसमें आपके उस इवेंट में आपके ये डायरेक्टर भी आपके रह चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनको दूसरा टर्म यहाँ पे दिया गया। अब आ जाए थोड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की अगर आप तैयारी करते हैं, आपको पता होना चाहिए हम हमेशा इसके रिगार्डिंग कोर्स लाते ही लाते हैं। आपको क्या करना है, कोर्स को अवेल करना है, इफेक्टिव अफोर्डेबल तौर पे आपको पूरा आपको कोर्स आपको देखने को मिलेगा, आपको इसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। आ जाते हैं हमने टॉपिक में, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आपको इस महीने आपको एक तरीके से नए आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नताशा पर्क आपकी पहली आपकी फीमेल प्रेसिडेंट आपकी स्लोवेनिया की आपकी बन गई है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से एंजी लोगर को, जो पहले आपके स्लोवेनिया की आपकी फॉर्मर आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री आपके फॉर्मर आपकी मिनिस्टर रह चुकी है, आपको पता होना चाहिए, इनको यहाँ पे हरा के नताशा पर्क मुसर आपके यहाँ पे राष्ट्रपति आपके बन गए। ये एक तरीके से सेकंड राउंड अगर आप देखोगे एक तरीके से इलेक्शन आपको 13 नवंबर में देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक तरह से इनको यहाँ पे डिफीट इन्होंने कर दिया। लगभग 54% वोट शेयर आपको देखने को मिलेगा नताशा पर्क को यहाँ पे स्लोवेनिया के लोगों ने यहाँ पे दिया है, और लोगर जी को यहाँ पे एक तरीके से 40%, मतलब 46% यहाँ पे वोट शेयर दिया गया है। तो ये आपकी पहली आपकी महिला आपकी स्लोवेनिया की राष्ट्रपति आपकी बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि स्लोवेनिया आपको पता है एक तरीके से आपका यूगोस्लाविया से आपका आजाद हुआ था 1991 में, है ना। आपका जो यूगोस्लाविया एक बहुत आपका बड़ी आपका बड़ा आपका साउथ एशियन आपका कंट्री था, वो आपका एक तरह से डिसइंटीग्रेट आपका हो गया था, सब लोग एक तरह से इंडिपेंडेंट आप कर रहे थे, स्लोवेनिया आपका हो गया, मैसेडोनिया आपका हो गया, कई सारे आपको ऐसे कंट्री देखने को मिलेगी आपको अलग हो गए थे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक तरीके से किनको यहाँ पे रिप्लेस करे, तो आपके बोरुत पैहोर को, जो आपके एक सेंट्रलिस्ट आपके पॉलिटिशियन आपके थे, ये पहले यहाँ पे राष्ट्रपति थे और ये ऑलरेडी 2 टर्म अपने एज अ प्रेजिडेंट अपने निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हमें नताशा पर्क हमें देखने को मिलेंगे, देखते हैं इनका टेन्योर पूरा कैसा रहेगा, देखने वाली यहाँ पे बात होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं नासा ने यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही एक तरीके से बहुत सालों बाद अगर देखा जाए यहाँ पे इन्होंने अपना अर्टेमिस 1 रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म क्या है आपको तो पता ही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे इन्होंने अर्टेमिस 1 मिशन को यहाँ पे आपको कैनेडी स्टेशन से यहाँ पे एक तरीके से आपका लॉन्च किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो पूरा जो आपका जो पूरा रॉकेट सिस्टम है, यहाँ पे आपको ओरियन आपको स्पेसक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका एक किस्म से आपका पूरा आपका एक तरीके से लूनर ऑर्बिट आपका आपको मिशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका ICPS जिसको बोला जाए आपका पूरा जो रॉकेट सिस्टम है, इंटरम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज, मतलब एक आपका एक ऐसा स्टेज आएगा जब रॉकेट आपका पूरा चक्कर लगाएगा पूरे अर्थ का, फिर एक ऐसे स्टेज में क्या करेगा जो आपका जो रॉकेट है ये क्या करेगा, ये जो ओरियन है मतलब जो आपका पूरा जो स्पेस क्राफ्ट है इसको आपका क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा, सेपरेट कर देगा स्पेस में, और रॉकेट पीछे हो जाएगा, और ये आपका जो ओरियन है फिर ये क्या करेगा आपका आपका लूनर का पूरा मतलब चांद का पूरा एक तरह से ऑर्बिट करेगा, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन मिशन कई टाइम से आपको देखने को मिला, नासा नहीं कर रहा था, लगभग देखा जाए 50 साल लगभग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे अर्थेमिस 1 एक तरीके से बहुत ही एक एम्बिशियस आपका यूएस का मिशन है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वापस एक तरीके से ह्यूमन मिशन के तौर पे इसको देखा जा रहा है, और यहाँ पे देखेंगे इसमें बहुत इसमें आप कह सकते हो कि बहुत टाइम बाद आपको पूरा मिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अर्थेमिस 1 आपका जो लॉन्च आपका हुआ है, इट इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ नासा ऑफ द 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी का आपको पहला आपको ये देखने को मिला रॉकेट आपको लॉन्च आपका हुआ है। इससे पहले आप देखोगे आपका कोई भी हमें मिशन नहीं देखने को मिला है इस वाले लेवल का, ठीक है। तो मून एक्सप्लोरेशन आपका पूरा प्रोग्राम है, यहाँ पे पूरा ये पूरा मून का पूरा हिस्ट्री ओरिजिन कैसे वो डेवलप हुआ है, पूरा नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको अच्छे से करेंगे, और एक तरीके से आप देखोगे क्या मतलब अगर इनको सक्सेस मिलेगा तो ये सेम चीज आपका मार्च में भी आपका अप्लाई करेंगे। तो अर्थेमिस 1 रॉकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ी स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात करें दोस्तों, मैक्स वर्स्टापन जो एक तरीके से आपके फॉर्मूला 1 के आपके रेसर है, यहाँ पे इन्होंने अबू धाबी में जो आपका जो ग्रैंड प्रिक्स आपका हुआ था
इसको यहाँ पे जीत रहा है। और ये आपको फाइनल सीजन का आपको आपका आखिरी आपका ग्रैंड प्रिक्स था। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए मैक्स वर्स्टापन इस सीजन के आपके 2022 के आपके वर्ल्ड चैंपियन आपके बन गए, रेड आपके रेडबुल टीम की तरफ से आपके खेलते हैं। और ये आपके देखोगे बेटा, ये आपके एक तरीके से फर्स्ट आपका F1 आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने एक तरह से 2021 में भी जीता था, अब अभी भी इन्होंने यहाँ पे जीत लिया। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है, क्योंकि इसी के साथ आपको पता होना चाहिए इन्होंने यहाँ पे 2022 के सीजन में इन्होंने यहाँ पे 15 टाइटल जीते हैं। बहुत बड़ी बात है, मतलब एक सीजन में 15 टाइटल जीतना, 15 ग्रैंड आपके प्रिक्स जीतना अपने बहुत ही काबिले तारीफ की बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बात की जाए कि इन्होंने एक तरीके से कई लोग का यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, इन्हें सिंगल सीजन 15 बार जीतना बहुत बड़ी बात है। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे अभी तक जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक सिंगल सीजन में, वो आपके माइकल शूमाकर थे, 7 बार आपके वर्ल्ड आपके चैंपियन आपके रह चुके हैं। इन्होंने एक सीजन में अगर आप देखोगे 13 बार आपके यहाँ पे जीत चुके हैं, अब तो इन्होंने 15 बार जीता तो बहुत बड़ी बात है। और जो आपके 4 टाइम के जो वर्ल्ड चैंपियन आपके रह चुके हैं, जिनका नाम है सेबेस्टियन वेटल, जो 2013 में इन्होंने यहाँ पे किया था, तो उनका भी यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने सिंगल सीजन में। ठीक है, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट भी ले लिया, तो ये आपको जिसे थोड़ी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कार्लोस अल्कारेज की, यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो कार्लोस अल्कारेज आपके यंगेस्ट आपके वर्ल्ड नंबर वन आपके प्लेयर बन गए आपके एटीपी के। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ये आपका इवेंट अभी कंट्री के बेस के लिए नहीं होता है, मतलब कंट्री रिप्रेजेंट कोई नहीं करता है यहाँ पे। ये एक आपका ऐसा इवेंट है जहां पे सिर्फ वो सिर्फ जो वर्ल्ड लेवल के जो आपके जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पे बुलाया जाता है, उन्हीं को यहाँ पे खिलवाया जाता है। ठीक है, और इसी में जो सबसे यंगेस्ट आपके जो प्लेयर आपके जो नंबर वन आपके बन गए, इनका नाम है कार्लोस अल्कारेज जी। और ये आपके बहुत ही अभी कम उम्र के, ठीक है, और इन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा यहाँ पे रिकॉर्ड बना दिया है। और इन्होंने यहाँ पे किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 19 साल के जो आपके जो पहले के आपके जो स्टार ऑलरेडी रह चुके हैं आपके एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के थे, जिनका नाम था लिटन हेविट, उनका यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया एटीपी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दिस ईयर ही बिकेम द यंगेस्ट मेल प्लेयर। इवन आप देखोगे इन्होंने यूएस का जो आपका जो ओपन आपका ग्रैंड आपका जो स्लैम हुआ था, आपको पता ही होगा यूएस ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने जीता है, और ये उसमें भी आपके यंगेस्ट आपके प्लेयर बने थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, पेटे सैम्प्रेस का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था यूएस आपके ओपन में। ठीक है, अब ही बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर आउटसाइड ऑफ द बिग फोर। बिग फोर यहाँ पे किसको बोला जाता है आपके टेनिस के जगत में, आपके नोवाक जोकोविच आपके हो गए, रोजर फेडरर आपके, एंडी मोरे और आपके राफेल नाडल। ठीक है, ये आपके बिग फोर आपके टेनिस के आपके पूरे गेम में इनको माना जाता है, बिग गेम इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इनके अलावा देखा जाए अब आपके बिग फाइव के तौर पे आप देखोगे अब कार्लोस अल्कारेज को यहाँ पे रखा जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अब मैंने बताया था इस महीने आपको कई सारे आपको नए आपको प्रेजेंट्स आपको देखने को मिले। कासिम जोमार्थ आपके वापस से कजाकिस्तान के आपके राष्ट्रपति आपके बन गए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लगभग 81.31% यहाँ पे वोट शेयर एक तरीके से यहाँ पे अपना लिया है, ले लिया है, मिल गया इनको एक तरह से जनता के द्वारा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा आपका जो ये आपको वोटिंग आपको देखने को मिलती है 20 नवंबर 2022 के दिन आपको देखने को मिला, और आपका जो कजाकिस्तान इलेक्शन कमीशन उसने पूरा आपका ये कनेक्ट करवाया था। ठीक है, अब 29 मार्च 2019 की बात की जाए तो आपके कासिम आपके जो तुकरेव है यहाँ पे ये पहली बार आपके तरीके से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान हुज नेम वाज नूर सुल्तान नजरबेव। ठीक है, आपको पता है आपका जो कजाकिस्तान है ये आपका एक किस्म से यूएसआर के बाद आपका बना हुआ है। आपको पता है 91-92 के बाद आपका यूएस जो आपका यूएसआर आपका एक तरह से टूट गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, और आपको कई सारे आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको उभरते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, कजाकिस्तान का यहाँ पे जो संविधान है इसमें यहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट किया है 6 सितंबर 2022 में, और इसके तहत आपको देखने को मिलेगा अब जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होगा कजाकिस्तान का वो 5 साल से बढ़ा के 7 साल कर दिया है, और जो भी आपका प्रेसिडेंट बनेगा वो सिर्फ आपका एक टर्म के लिए बनेगा। अब आप यहाँ पे बोलोगे ये तो आपके ऊपर वापस से रिइलेक्ट हो गए, ठीक है, बट जो इनका जो पहले का टेन्योर है उसको वहां पे नल एंड वॉइड कर दिया गया है, अब हमें नया देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से इनको पहली बार एक तरीके से यहाँ पे इलेक्ट किया गया है, इस तौर पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नोवाक जोकोविक इन्होंने यहाँ पे 6th बार यहाँ पे एटीपी फाइनल टाइटल यहाँ पे जीत लिया है, बहुत बड़ी बात है। इटली में आपको पूरा यहाँ पे आपको इवेंट आपको देखने को मिला है, ये सर्बिया से आपके बिलोंग रखते हैं आपके नोवाक जोकोविच, बहुत बड़े आपके खिलाड़ी है, और ये 6th टाइम आपके एटीपी फाइनल में एक तरीके से उन्होंने ये आपका एक तरीके से ये जीता हुआ आपका टाइटल, और इन्होंने यहाँ पे नॉर्वेगियन आपके प्लेयर को यहाँ पे जो कैस्पर रूड है उनको यहाँ पे हरा दिया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो नोवाक आपके एक तरीके से जोकोविक ने यहाँ पे रोजर फेडरर का जो एक तरीके से जो रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे बराबरी कर दी है, उन्होंने भी एक तरह से 6 बार एक तरह से एटीपी आपका जो टाइटल जीता था, अब ये आपको पता होना। और इसी के साथ नाउ ही इज एक्चुअली द ओल्डेस्ट चैंपियन ऑफ द एटीपी फाइनल, आपके लगभग ये 35 साल के आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कार्लोस अल्कारेज जो आपके एक स्पेनिश आपके खिलाड़ी यंगेस्ट है, ये तो मैंने आपको बता दिया एटीपी के आपके नंबर वन आपके प्लेयर है। मेंस डबल में देखा जाए तो आपके राजीव राम जो यूएस के हैं और जो आपके जो सेलिसबरी जो आपके ब्रिटिशर है, इन्होंने भी एक तरह से अगर डबल टाइटल में देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक के आपके जो विजेता थे 2020 के
करुषण पेयर था इनका, मतलब कि आप निकोला मैक्टिक हो गए, मेट पेविक हो गए, जो आपके करुषण खिलाड़ी है, इनको यहाँ पे डबल्स में कैटेगरी में इनको हरा दिया, ये भी आपके एटीपी में जीते। ठीक है, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और 53rd एडिशन के हिसाब से देखा जाए, सिंगल्स में देखा जाए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे नोवाक जोकोविक आपके जीत गए, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि इब्राहिम आपके जो है, जिनका नाम है अनवर इब्राहिम जी, ये आपके मलेशिया के आपके नए आपको प्रधानमंत्री आपको देखने को मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, आपको पता होना चाहिए। तो मलेशिया की एक तरह से अपोजिशन लीडर के तौर पर अनवर इब्राहिम जी आपके एक तरीके से आपके पावर में आपके आ गए हैं, और एक कंट्री के आपके नए प्रधानमंत्री आपके बन गए। ठीक है, एक किस्म से यहाँ पे भी वही हमें टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिला, कोई भी यहाँ पे जो भी पार्टी है, कोई भी अपना एक तरीके से साबित नहीं कर पाई कि यहाँ पे एक किस्म से किसी को मेजोरिटी मिली कि नहीं। इवन हम इनकी भी अगर बात करें, इनको भी यहाँ पे कोई मेजोरिटी इनकी पार्टी को नहीं दी गई थी, बट बाद में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एक तरीके से इनको अपॉइंटमेंट यहाँ पे दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए आपका, ना तो आपकी जो अनवर है, ना कि आपकी जो इससे पहले जो आपके एक तरह से आपके जो प्रीमियर आपके रह चुके, जो आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोहिउद्दीन यासिन जी, वो भी एक तरीके से बिल्कुल अपना मेजोरिटी बिल्कुल साबित नहीं कर पाए, सरकार नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, कोई भी सिंपल मेजोरिटी नहीं कर पा रहा था, बट बाद में हमें देखने को मिलता है, आप देख सकते हो अलायंस वगैरह कर करके यहाँ पे जो अनवर की जो पार्टी है, जिनका नाम है पकटन हरप्पन पार्टी, इन्होंने फिर बाद में देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे फिर मेजोरिटी जैसे जैसे ला के यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने यहाँ पे ला दिया है, आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और यहाँ पे जो आपके जो जो यहाँ पे जो राजा है, इनको यहाँ पे एक तरीके से ओहदा यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हाल ही की आपकी खबर है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको डील आपको देखने को मिला इंटरनेशनल ट्रेड की, यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं। कतर और यहाँ पे चाइना ने एक तरीके से बहुत बड़ा आपका डील किया है रिगार्डिंग आपका लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई पूरे वर्ल्ड का, यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कतर एनर्जी आपकी कंपनी है, यहाँ पे उन्होंने लगभग 27 ईयर का एक तरीके से नेचुरल गैस सप्लाई डील चाइना के साथ यहाँ पे साइन किया है, और यहाँ पे एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कतर आपका 4 मिलियन टन आपका एलएनजी, जिसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोला जाता है। अब ये क्या है आपका, देखो आपका एलपीजी आपने सुना होगा, एलएनजी आपने सुना होगा, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो भी आपके जो नेचुरल गैस होते हैं उसको यहाँ पे लिक्विफाई किया जा रहा है, मतलब उस गैस को उसको लिक्विफाइड फॉर्म में लाया जा रहा है, मतलब -160 डिग्री सेल्सियस में उसको एक तरह से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, एलएनजी क्यों इतना आसान है, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। आप जब गैस ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करते हैं कंट्री में, बड़ी थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना, पर अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में लाते हो ना, तो ट्रांसपोर्टेशन बड़ा आसान हो जाता है। और देखो सबसे लॉन्गेस्ट सप्लाई आपका ये, तो एलएनजी तो लगेगा ही लगेगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो कतर अपने नॉर्थ फील्ड से क्या करेगा, अपने इस प्रोजेक्ट से क्या करेगा, इनको यहाँ पे सप्लाई करेगा। चाइना की कौन सी कंपनी है आपको पता होना चाहिए, जिसके साथ डील हुआ, जिसका नाम है सिनोपेक, जिसका नाम है चाइना पेट्रोलियम एंड आपका आपका केमिकल आपका पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम है ना, हाँ पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कतर का जो मेन मार्केट आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग आपका नेचुरल गैस, आपका चाइना है, जापान है, आपका साउथ कोरिया है, तो इनके साथ तो डील आपका होना ही होना था। अब जो आपका नॉर्थ फील्ड से आपका जो पूरा यहाँ पे जो आपका सप्लाई आपका करेगा एलएनजी गैस के फॉर्म में करेगा, ये बोला जा रहा है कि लगभग 2027 तक लगभग 60%, मतलब लगभग 126 मिलियन टन का आपका गैस आपका सप्लाई करेगा 2027 तक आपके एक तरीके से चाइना में, बहुत बड़ी बात है। और चाइना का अगर देखा जाए, इट इज द फर्स्ट कंट्री जो यहाँ पे आपका नॉर्थ फील्ड ईस्ट के साथ आपका एक तरह से साइन कर रहा है, मतलब कतर के साथ आपका कर रहा है। तो गाइस जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको ऐसी अमेजिंग, अगर आपको कोर्स चाहिए, अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की अगर आपको तैयारी करना है, तो एसएसबी का एग्जाम्स हमेशा आपके लिए इसके रिगार्डिंग कोर्स लाते ही लाता है, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको अवेल कर सकते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। हमारे कई सारे कोर्स यहाँ पे अवेल कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एनडीए, एफकैट, सीडीएस, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका ओटीए का हो गया, जितने भी आपके जो डिफेंस के आपके जो एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, एसएसबी का एग्जाम्स आपके लिए हमेशा यहाँ पे आपको भरोसेमंद आपको देखने को मिलेगा, आपको इसको अवेल करना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट माय दोस्तों, यहाँ पे आपको बोलना बिल्कुल पसंद करूंगा, कोई भी अगर आप कोर्स अवेल कर रहे हो तो Warrior10 का आपको कोड का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको यहाँ पे 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैं इसी के साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।